बात करेंगे सतत विकास के 10वें SDG लक्ष्य पर। इसमें किसी देश के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करने पर बल दिया जाता है। 2030 तक जनसंख्या के सबसे निचले स्तर के 40% हिस्से की आमदनी में वृद्धि दर को राष्ट्रीय या औसत से ऊपर हासिल करना और इसे कायम रखना है। सतत विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र की नजर में असमानता से मतलब आपकी हैसियत, अधिकारों, अवसरों में समानता से। साल 2030 तक अन्य देशों की तरह भारत को भी आयु, सेक्स, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक या किसी अन्य हैसियत के भेदभाव के बिना सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराना है। असमानता प्रगति में हमेशा बाधक रही है। लैटिन अमेरिका और पूर्व एशिया में सबसे गरीब वर्गों में 5 साल की आयु से पहले ही बच्चों की मृत्यु की आशंका बनी रहती है, जो सबसे अमीर वर्ग के बच्चों की तुलना में 3 गुना अधिक है। भारत ने साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस साल तक गरीबी स्तर को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑक्सफैम के अनुसार अगर भारत असमानता को आगे बढ़ने से रोकता है तो यह 2019 तक 90 मिलियन लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर सकता था। भारत के लिए 2010 में आय में असमानता को लेकर गिनी इंडेक्स ने 36.8% था, जो 2015 में घटकर 33.6% रह गया। जैसा कि हम जानते हैं, असमानता स्वभाव में बहुआयामी होती है। इसमें आय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, अवसरों और विकल्पों तक की सामान्य पहुंच में भी असमानता शामिल किया गया है। असमानता के ये विभिन्न पहलू एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। पानी और स्वच्छता में सुधार करने भर से स्वास्थ्य की असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह बेहतर शैक्षिक अवसर मिलने पर लोगों को बेहतर रोजगार सृजित हो सकता है और आय की असमानता को कम किया जा सकता है, और ऐसे ही दूसरे मामलों में भी। इसलिए SDG के लक्ष्य 10 की सफलता अन्य सभी लक्ष्यों की सफलता से जुड़ी हुई है। आजकल के दौर में आय असमानता बढ़ रही है। सबसे अमीर 10% के पास वैश्विक आय का 40% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 10% केवल 2-7% के बीच कमाते हैं। यदि हम भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि असमानता को ध्यान में रखें तो असमानता में 11% की वृद्धि हुई है। हाल के दशकों में लगभग हर जगह आय असमानता बढ़ी है। इसकी गति भिन्न भिन्न रही है। यह यूरोप में सबसे कम और मध्यपूर्व में सबसे अधिक है। 1980 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के बाद असमानता काफी बढ़ गई है। भारत में असमानता की वर्तमान स्थिति 1947 में आजादी के बाद के 3 दशकों की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में आय में असमानता काफी कम हो गई थी और नीचे के 50% लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से अधिक बढ़ी थी। लेकिन आर्थिक उदारीकरण के दौर ने तमाम असफलताओं की खाई बढ़ाने का काम किया है। इस खाई को धीरे धीरे पाटने के लिए SDG लक्ष्यों पर सभी देशों की निगाह है।